नया अभी मेन हमारा है एजुकेशन। बहुत सारे अभी भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फीस की आ रही है, बच्चे घर में बैठे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करके हम दूसरे ट्रस्ट से भी बात कर रहे हैं कि उनकी फीस भरवाएं और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करें और साथ में डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें, ताकि जो आगे भी स्कीम अभी आने वाली प्रभाग समिति में विधवा लोगों के लिए और डिसेबल लोगों के लिए, तो उसके लिए फिर हम कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। आज हम मौजूद हैं कौसा में और आसरा NGO के साइना मैम क्या कुछ बताएंगे जो उन्होंने प्रोग्राम किया है उसके बारे में जानते हैं सीधा हम लोग साइना मैम से। मैम, न्यूज़ FK में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। क्या कुछ प्रोग्राम किया आपने उसके बारे में, क्या जनता को संदेश देंगे जरा? हमने स्वनिधि रोजगारी योजना के तहत जो 10,000 रुपये का लोन गवर्नमेंट दे रही है उसका कैंप लगाया था पहले 2 दिन 21 और 22 को। उस वक्त हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, करीब 200 लोगों को वो लोन मिला। फिर से पब्लिक डिमांड पे हमें एक दिन का और कैंप लगाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी हमने 100 लोग तकरीबन लोगों को लोन दिलाया और जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत से लोगों के पास नहीं था, तो कैनरा बैंक में हमने 70 लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाया। यहाँ पर एक कैनरा बैंक कौसा ब्रांच है और एक मुमरा ब्रांच है। अच्छा अच्छा जी। तो किस तरह से, मतलब कितने घंटे का प्रोग्राम था? सर वो सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक का प्रोग्राम था। तो कितने लोग मतलब इसमें से सक्सेसफुल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोग सक्सेसफुल रहे, 150 लोगों ने एंट्री की। अच्छा। जी हाँ। और 100 लोग आए थे ओपन करने अकाउंट, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट की वजह से उनका नहीं हो पाया। उनके लिए क्या सोल्यूशन निकाले आपने? अब हम उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहे हैं और फिर से कैंप लगाएंगे। दिन में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, हफ्ते से 10 दिन के अंदर। मैम आपका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं आसरा NGO से हूँ। हम लोगों ने जो भी कैंप किया है, जैसे हम लोग ने पहला 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को पहला लोन मेला लगाया था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जब ये 2 दिन हम लोग ने कैंप कंप्लीट किया तो और पब्लिक हमारे पास डिमांड करने लगी कि और एक बार कैंप करो, हमारा रह गया है और आप ही के यहाँ से हो जाएगा हमारा इजीली। तो हम लोगों ने फिर 1 महीने का गैप लिया क्योंकि और भी लोग कर रहे थे। उसके बाद हमारा देखने के बाद में और लोगों ने भी कैंप किया है, तो हम लोगों ने फिर से अभी रिसेंटली एक कैंप किया है लोन मेला का। तो अभी भी हम लोगों का माशाल्लाह 100 के ऊपर लोगों का अकाउंट का प्रोसेस का काम शुरू हो गया है। और भी अन्य सदस्य हमारे साथ मौजूद है आसरा NGO से, तो किस तरह से क्या कुछ बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में और आने वाले वक्त में मुमरा शहर में और भी क्या काम करेंगे ये आसरा NGO, क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीदा शेख आसरा NGO से हूँ। जो लोन का कैंप हम लोगों ने लगाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पैसे मिल भी रहे हैं और सब हमारे से खुश है। और कैनरा बैंक का जो अकाउंट खोले हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको खोल के दिए हैं और आगे भी खोल के देंगे। आपके सामने बहुत सारे लोग आते होंगे आपके दरवाजे पे, आपके NGO पे मैम से मिलने के लिए, तो क्या क्या डिमांड रहती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए मुमरा शहर में? ज़्यादातर तो वोटर ID का डिमांड करते हैं और आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब बनाने का आकर पूछते हैं कि कब कैंप लगेगा, हमारे को भी बनाना है। इन सब में क्या डिमांड आप लोगों को अच्छी लगती है कि ये करने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कोई नहीं कर रहा, ऐसा कुछ? हम लोग को ज़्यादातर तो लोन केस में अच्छा लगा कि पब्लिक को लोन दिलाए हम लोग ने आसरा NGO की तरफ से। शाइना मैडम जो भी है वो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और उनको सब सहयोग भी देते हैं। ये पूरी टीम से तो मैं पहले से वाकिफ हूँ, नए मेंबर मेरे नज़र के सामने है। मेरा नाम नाहिद खोते। कितने साल से आसरा NGO से जुड़े? मैं 2 साल से जुड़े। 2 साल से जुड़े हो, तो क्या सोचती उस वक्त? देखो इनके साथ में जुड़कर बहुत अच्छा लगा और शाइना मैडम है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और हम लोग के लिए भी और हम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो किस तरह से इनके पास आप लेके आएंगे और उन लोगों के क्या क्या मुद्दे रहते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं लोग के, जैसे कि अभी जो लोन दिला उसके बारे में बहुत से लोगों को मिला, बहुत खुश हुए। मैं इनके पास लेके गई सारे सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके गए, उनको मिला, उन लोग बहुत खुश हुए हमारे से, मैडम से, आसरा NGO से, सबसे बहुत खुश हुए। लोन मेला में मेन क्या हो रहा था कि हॉकर्स का तो था ही, लेकिन जो घर से भी औरतें कर रही थी, जैसे लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने घर से कुछ ना कुछ बिजनेस किया। ये तो सभी को मालूम है कि घर से कुछ भी कांदा बटाटा बेचना, ये अभी तो बच्चियां भी कर रही है, जैसे मेकअप की किट्स बेचना,
बेचना, कुर्तीज वगैरह बेचना, वो लोग भी आकर हमारे पास लोन लिए है, यानी उन्होंने अपना धंधा बताया है कि हम ये कर रहे हैं, उसके बाद लोन लिए, तो उनको भी बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में तो कोई किसी को एक 5,000 की रकम देने के लायक का भी नहीं रहा था, तो ये जो चीज़ है सरकार की, तो ये बहुत अच्छा है। और लोगों को हमने ये चीज़ समझा दिया है कि जब ये चीज़ आप फेर दोगे 10,000 रुपये, तो आपको 10 का 20 मिलेगा, आपको गवर्नमेंट ही सपोर्ट करेगी, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये हॉकर्स वाला लोन तो 90% लोगों को मालूम ही नहीं था, ये समझो आपा ने लाए हैं, तो हम लोगों को, हमको खुद ही नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ लोन होता है। तो ये तो बहुत लोगों के लिए बेनिफिट, क्योंकि कोई किसी का शर्मिंदा नहीं है इसमें कि आपने मुझे 10,000 रुपये दिया, अब मैं आपकी कर्जदार हूँ, नहीं, ये तो सेल्फ कमाना है और उसको वापस करना है। क्या बात है, सेल्फ कमाना है और उनको वापस देना। मैम बहुत सारे आपने स्कीम लाए, बहुत सारी चीजें की है इसी शहर के अंदर, अब नया कुछ क्या रहेगा? नया अभी मेन हमारा है एजुकेशन, बहुत सारे अभी भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फीस की आ रही है, बच्चे घर में बैठे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करके हम दूसरे ट्रस्ट से भी बात कर रहे हैं कि उनकी फीस भरवाएं और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करें, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें, ताकि जो आगे भी स्कीम अभी आने वाली प्रभाग समिति में विधवा लोगों के लिए और डिसेबल लोगों के लिए, तो उसके लिए फिर हम कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारे साथ मैम मौजूद थे आसरा एनजीओ के, बहुत सारी चीज़ें बताई, जनता के हित में जाएंगे और मुमरा शहर में बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। इस वक्त एजुकेशन के मुद्दे पर भी ये आने वाले वक्त में सड़क पे उतरना पड़े तो भी उतरेंगे, जिसके दरवाजे पे जाना पड़े वो मैम जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और हम लोग इनके साथ कुछ नए नए जुड़े हैं, जब से मुमरा शहर में है तब से हम इनके पूरे परिवार को जानते हैं, इनके कामों को जानते हैं, इसलिए पूरा शहर इनको मानते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।